मत आप भाई। आए, रुको। बस बहुत हुई मार कुटाई, एक वक्त है यो हीरो जी को टाटा बाय बाय करने का। अब खत्म हो गई थारी पिक्चर। भैया नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो? What? भी भाई गोली मत चलाओ। भी भाई रा बिट्टू, बहुत प्यार है ना तुझे इस डॉक्टर से, तो क्यों ना इस डॉक्टर का ही पहले खेल खत्म कर दूं। डॉक्टर
बिट्टू मुन्नी को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जल्दी का टाइम नहीं हमारे पास। मुन्नी मुन्नी चौधरी साहब, मुन्नी बिटिया गोली लगी है, सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए। चौधरी साहब, मुन्नी बिटिया गोली लगी है, सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए। मुन्नी आंखें खोल, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, उठ क्यों नहीं रही है? विक्रम देखो, भीम भाई कुछ नहीं होगा, मुन्नी को ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। बिट्टू बिट्टू को कुछ मत, तने कुछ ना होगा मुन्नी, कुछ नहीं होगा तने, बस अपनी आंखें ना मूंदना, आंखें खुली रख। बिट्टू गाड़ी तेज चला। अरे डॉक्टर, मुन्नी डॉक्टर, डॉक्टर, अरे डॉक्टर कहाँ है? आइए जल्दी लेके आइए। कुछ नहीं था, आगे खुली रख, आगे खुली रख। डॉक्टर तुम दोनों घर जाओ, सबको खबर दो, मैं और भीम भाई यहां पर देख लेंगे। जाओ जाके सबको खबर करो, जाओ जाओ ज्योति, जाओ जाओ। भीम भाई सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होगा हमारी मुन्नी को, कुछ नहीं होगा। चुल्लू भर पानी ना मिला डूब मरने को, जो इतना रायता फैला के भी आड़े आगे मुंह उठा के। तेरे मुन्नी मुन्नी को गोली लगी है। बिट्टू ठीक तो है ना भाई? जी वो सब लोग हॉस्पिटल में हैं। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, मरने के खोल दरवाजा। जे मारे बिट्टू ने कुछ भी होया तो भगवान की सो इस पूरी हवेली में आग लगा दूंगी। कौन से अस्पताल में हमारा बिट्टू? सिटी हॉस्पिटल।
आप ओपीडी में जाके अपनी मरहम पट्टी करवा लीजिए। जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा हम आपको बता देंगे। मैंने कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहीं ग्लूकोज ले आती हूँ। चोट ज्यादा लगी है, कमजोरी हो जाएगी। आवाज ना करो, ऑपरेशन चल रहा है अंदर। मुन्नी की जान खतरे में है। खतरे में है लाडो की जान। हरी बड़ा से जे खतरा लाडो को ले डूबे। बुला लो मुन्नी ने अपने पास। सारी जिंदगी पाप की है आप लोगों ने। सजा किसे मिली? तेरी बहन को। अब दिखाओ अपनी ताकत, दौलत, दहशत। सब मिलकर भी थारी मुन्नी को ना बचा पाएंगे। जो सोच कर कैसा लग रहा है बड़े चौधरी? अपनी जिंदगी जी कहाँ है उसने? अब तक तो थारी कठपुतली बनी हुई थी वो। थारे सारों पर नाच रही थी इन्हें देवता मानकर। आज देखो उसी देवता की गोली का शिकार बनकर मौत से लड़ रही है बेचारी। भाषण ना दे। क्या जानता है तू हम भाई बहन के रिश्ते के बारे में? और तू होता कौन है हमें ये सिखाने वाला? बोल। मुन्नी ना बेला कौन हूं मैं? सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर मुन्नी ने कुछ हुआ तारे घर से एक नहीं दो लाशें उठेंगी। क्योंकि मुन्नी ने मारने वाला चिन्ना ना बचेगा। बिट्टू ठीक तो है ना? तो क्या हाल कर दिए हमारे छोरे का? इंसान नहीं जल्लाद हो तुम लोग, जल्लाद। बहुत हो गया, चालू रहते चल। मुन्नी का ऑपरेशन सुनना हो जाता मैं कहीं ना जा रहा। अरे अपना हाल भी तो देख ले, क्या हो गया? और के चावे है तू बिट्टू? अरे समझा समझा अपने छोरे ने। मने अपनी बहन के इर्द गिर्द कोई भी बुरा साया ना चाहिए। बड़े चौधरी और साया ही कितना बुरा हो, काल से तो बेहतर ही है। चौपड़ों के भेस में मुन्नी की जान लेना चाहे। अरे तेरी तो चौधरी भारी गोद सोड़े के सोड़े रह गए। सिर्फ और सिर्फ उस लाडो ने कारण कितनी पूजा की मैंने आपकी, कितनी मिन्नतें मांग रही हूं। पर मने लगता है कि हमारा मां बनने का सपना मुन्नी ने मौत के बाद ही पूरा होवेगा। अब बुला लो उसने अपने पास, जाड़ ले लो उसकी, बुला लो अपने पास। मारा तो सोच के कलेजा कहां पे है? जो मुन्नी ने कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होवेगा? अरे कोई नजर रखो इन पर, कहीं फिर से ना भाग जाएं। और तू आसगी के चक्कर में अपनी बहन की दुश्मन बन गई, शर्म ना ही तन्ने? अरे मारे तो पल्ले ही ना पड़ती हो बात की, और चार दिन की आसगी परिवार के प्यार से बढ़कर कैसे हो जावे है? और देख ले हर प्यार का अंजाम। अब चलो हॉस्पिटल चलते, मुन्नी के लिए भाभी का रो रो के बुरा हाल हो गया। बटन छोड़ मारे बिट्टू ने।
छोड़ मारे बिट्टू ने, छोड़ मारे बिट्टू ने। माँ, 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 माँ तू तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं हुआ। जान ले लो, उफ तक ना करूं मैं। तुम्हारी माँ ने तकलीफ देने की सोची भी कैसे? जी, ढाई पसी गए लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारे भाई साहब पे हाथ उठाने की? हे, मारो इन्हें, मारो! आप लोग हैं क्या मुन्नी के घर वाले? जी। इस वक्त लड़ाई झगड़ा करने से ज्यादा आपको अपनी बहन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। भीम, बंद कर सब कुछ और तू जाए आता है लेकर जाए इसने। हाँ चल बिट्टू, इन पागल कुत्तों ने तो बस भौंकना और काटना आवे। चल तू। डॉक्टर साहब, मारी मुन्नी किसी है? वो ठीक तो है ना? मारी बहन को कुछ होना नहीं चाहिए। देखिए, हमने उनकी गोली तो निकाल दी है, लेकिन उनका खून बहुत बह चुका है। इसके लिए आपको बाहर से ब्लड का इंतजाम करना होगा। और हाँ सुनिए, मुन्नी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि बाहर से जल्दी मिलेगा भी नहीं। अगर मुन्नी को जल्दी ब्लड नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। हमारा खून ले लो। हाँ, अब तो यही करना होगा। आप सबका मैं एक एक करके ब्लड चेक करता हूँ, और जिसका ब्लड मुन्नी के ब्लड ग्रुप से मैच हुआ वही मुन्नी को खून दे सकता है। चलिए आप मेरे साथ सब, चलिए। बिट्टू, चलो चलो अम्मी। अरे अरे, जा रहे हो आप लोग? घर जाओ आप लोग, मैं ही उस सर्कस देख कर आती हूँ। नहीं 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 फूल कुमारी, हम तने अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। चलो हमारे साथ तुम। क्यों, कुंभ का मेला है यो, जो अकेला छोड़ोगे तो मैं खो जाऊंगी। तुम घर जाओ ना, जरूरत पड़ेगी तो मैं फोन कर लूंगी। ठीक है ठीक है, एक बात मारी ध्यान से सुन ले बहुरानी, इन दगेड़ुओं से संभल के रहना बस। फिकर ना करो बाबूजी, मैं सब संभाल लूंगी, आप लोग घर जाओ। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। हेलो भाभी, मैं और मुस्कान ना अस्पताल पहुंच गए हैं। मुन्नी का खून बहुत बह गया भाभी, उसे खून की सख्त जरूरत है, इसलिए भाई साहब और बाकी सब लोग ना अंदर खून जांच कराने गए हैं। बस मुन्नी की जान बच जाए भाभी, भगवान सुन ले मारी। भगवान सुन ले बस। मैं तो बस यही मनाऊं कि मुन्नी के खून का आखिरी कतरा भी बह जावे, ना मिले उसे किसी का भी खून। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.